मेरा बच्चा, मैत्री, तुझे कुछ नहीं होगा, कीप कंट्रोल, मेरा बच्चा, बच्ची, तेरा कहना मानूंगा, नहीं, तू मेरा कहना मानूंगा, मैं जानती हूँ तुम क्यों जानबूझ के करते हो, क्यों तंग करते हो तुम मुझे, मेरा बच्चा, नहीं डांटूंगी, नहीं डांटूंगी, ओके भेजूंगी, जाओगे ना घूमने और फिर पापा भी आएंगे, पापा तुम्हें। हाँ बंधु। डॉक्टर साहब मैत्री जी की तबीयत। उसे दबा दो, मैं तुम्हें थोड़ी देर के बाद फोन करूंगी। बच्चा मुझे तंग नहीं करना है, मेरा कहना मानना है, मेरा प्यारा बच्चा, भूख लगी तुम्हें? हाँ ओके। डॉक्टर जल्दी आएंगी तो अच्छा। जिद मत करो ना, ये क्या हो जाता है तुम्हें, पापा आ रहे हैं। जल्दी करो, चलो चलो जल्दी करो सुभाष। माँ कहो, माँ मेरा प्यारा बच्चा, भूख लगी है, दूध पिएगा। जिद मत करो, देखो बंटी तंग मत करो मुझे। हेलो मानो, तू कहाँ हो, अब तक घर नहीं पहुँचे? मैत्री को फिर से दौरा पड़ा। जानती हूँ, बंधु का फोन आया था, दवाई दे दी। मीना क्यों नहीं पीता है दूध? मीना ओफ, ये ट्रैफिक भी जान लेकर आएगा। वो माजी माजी वो अच्छी बात है। सुभाष जाना मत, शायद डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ेगी। ओके मैंने डॉक्टर साहिबा को फोन किया है, आती ही होंगी। ऐसे जानती नहीं है, कौन है वो? एक बार बता दिया ना, कौन है वो? दूध पी ले, पी लो ना, क्यों नहीं पीते हो, क्यों नहीं पीते हो? पापा चाहिए, पापा चाहिए, माँ है ना, माँ है ना आपके पास। चुप 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 मैत्री, चुप एकदम चुप, ऐसा नहीं करते, क्यों करती हो तुम ऐसा मैत्री, तुम क्यों करती हो ऐसा? नहीं बेटा तुम्हें नहीं, ना 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 अजीब तमाशा है। हजार बार सोचती हूँ कि यहाँ नहीं आऊंगी, मगर आ ही जाती हूँ, माँ हूँ ना, मुझे चाहिए, मेरा है, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मेरा है, मुझे चाहिए, मेरा है। देखो देखो पापा आ गए, पापा आ गए। अब चुप होना, अब चुप हो जाना, देखो ना देखो, पापा को है ना ऑफिस से आते आते देर हो जाती है ना, है ना? सर टॉयस बिखरे पड़े हैं ना, हाँ बंटी रख देगा ना, बंटी रख देगा, हाँ बंटी रखेगा ना तू, he's a good boy, he's a good boy, I'm a good woman, I'm a good woman, I'm a good woman, and I'm a good mother also, yes, good mother. कुर्ते क्यों पकड़ो, देखो जिस घर में बच्चे होते हैं ना उस घर का हाल ऐसा ही होता है। बच्चा है, खेलेगा ना, खेलेगा ना बेटा मेरा, खेलेगा। मैत्री होश में आओ, देखो हमने क्या डिसाइड किया था। तुम इतनी कमजोर क्यों होती हो? नहीं मैं कमजोर नहीं हूं, बेबस और लाचार भी नहीं हूं, बस कभी कभी मन के जज्बात की लगाम ढीली पड़ जाती है। क्यों
सब कुछ जानकर समझकर क्यों ऐसा होता है मानव? मैत्री। ओके ओके, मैंने टैबलेट ले ली है। आई विल बी ऑलराइट। समझकर ना समझे। हेलो डॉक्टर त्रिशा। अच्छा बताओ, अभी मेरी आने की जरूरत है? नहीं, उसने टैबलेट ले ली है। गुड मानव, एक्चुअली हिस्टीरिया का केस है ना, वो बहुत डिस्टर्ब है। नहीं नहीं, मैं उसे कल आपके पास भेज दूंगा। थैंक्स फॉर कॉलिंग, गुड नाइट। बताओ मुझे, बताओ क्या हुआ, बताओ क्या हुआ? एक औरत मिली थी। कहाँ? ट्रेन में। फिर? मैं ऑफिस से लौट रही थी। कह रही थी मेरी शक्ल से पता चलता है मैं बेऔलाद हूँ। कितनी चुभती है ये बात मानव, मैत्री हंस हंस के बोल रही थी। मैत्री शांत, मेरा बस चलता तो मैं उसके बाल ऊंच लेती। शांत हो जाओ मैत्री। माना, क्लास में ट्रैवल करने वाले की सोच इतनी थर्ड क्लास होती है। मैत्री शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देखो छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट मत करो तुम। नहीं करूंगी। हाँ। जानती हूँ मैं पढ़ी लिखी औरत हूँ, MBA हूँ, रॉबिन्सन थॉमस कंपनी में नौकरी करती हूँ, पर क्या करूं मैं? जानती हूँ मुझे चिढ़ना नहीं चाहिए, मगर मैं मगर वगर कुछ नहीं। देखो जो बातें बुरी लगती हैं उन्हें कान से मन में मत उतारो। कंट्रोल है ना? लेकिन माना मुझसे हो जाता है ये सब। मत होने दो, तुम में वो ताकत है। खुश हो? अपनी पत्नी से खुश हो? तुम्हें पाकर मैं बहुत खुश हूं, बहुत। लेकिन मैं बच्चा नहीं दे पाई। तुम हो ना? तुम हो तो सब कुछ है मेरे लिए, है ना? मुझसे नाराज हो? किसने कहा? बिल्कुल नहीं। मुझसे प्यार करते हो? बहुत प्यार करता हूं। पगली मैत्री, दुनिया में कमियों की कमी नहीं है, हमारे पास भी सब कुछ है, एक ही कमी है। अगर भगवान ने चाहा तो वो भी दूर हो जाएगी। सॉरी। मेरा वजन बढ़ गया है? बिल्कुल नहीं, एकदम हल्की हो तुम। चाहो तो सर पर भी बैठ सकती हो। तुम मुझे बोझ कह रहे हो? नहीं, मोटी कह रहे हो मुझे। कहने की क्या जरूरत है,
लेकिन मैत्री कभी तबेले के पास से मत गुजरना। क्यों? बैंस समझ कर बांध कर रखेंगे। मानव, 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 मानव। क्यों? मुझसे ही रहा नहीं जाता है, फिर यहाँ आ जाती हूँ। झूठ ना बोलू, यहाँ के माहौल में दम घुटता है मेरा। न तुम्हें मेरी कोई परवाह है, न तुम्हारी इस बीवी को। माँ, चाय ठंडी हो रही है, पियो। मानव, माँ, प्लीज। मेरी ही बातें चुपती है तुम्हें? क्यों? अपने ही दुनिया में पड़े रहते हो तुम। झूठ ना बोलो, तुम्हारे सारे दोस्त बाप बन चुके हैं। तुम्हारे वो दोस्त प्रवीण, अरे जुड़वा बच्चे है उसके, कितने प्यारे प्यारे बच्चे। हे भगवान, मेरा कलेजा तो मुंह तक आ जाता है। जिंदगी भर मंदिर की सीढ़ियों पर दिए जलाए हैं मैंने, मगर मेरे भाग्य में ही अंधेरा है, निर्वंश होगा। माँ, जरा भी कुछ बोलू तो आंखें दिखाता है मुझे, इसीलिए मैं यहाँ नहीं आती हूँ। पता नहीं इस बहू को क्या सर पे चढ़ाकर रखा है तूने। पढ़ी लिखी है, हजारों कमाती है, मगर आग लगे ऐसे पैसों को। औलाद से ही घर मंदिर बनता है, बगैर औलाद के घर मरघट जैसा लगता है। मुझे क्या, मैं अभी चली जाती हूँ। हट रे, यहाँ रहकर तो मैं भी पागल हो जाऊंगी। जा रही हूँ मैं। वाजी, यहीं पे हो? सामान रख देता हूँ अंदर। बिल्कुल रख दो। अंदर रख देता हूँ। पानी की बोतल भी रखी है। ठीक है। सुभाषी, माजी? माजी चली गई। मैंने उनसे पूछा कहीं छोड़ना है तो, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं, वो तो चली गई। मैत्री, मैत्री, I'm sorry। माने कुछ ज्यादा ही। नहीं माना, माजी सच कह रही थी, मुझे माँ की बातें चुपती हैं। नहीं मानव, नहीं चुपती। हर सास को यह हक है कि वो अपनी बहू से बच्चे की उम्मीद रखे। मैं उन्हें बच्चा नहीं दे पाई, न जाने कितनी जुबानें हमारे पीठ पीछे चलती होंगी। माँ जी ने तो सामने कहा ना, हक है उनको। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे दुख को, हमारे दुख को। दर्द इस बात का है ना, वो हमारे साथ नहीं रहती। मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी इनकी सेवा में, बस बच्चा नहीं दे पाई। काश माँ जी मुझे बहू नहीं बेटी समझती। देखो माँ को दूर ही रहने दो। चलो भाई, चलो। आर यू ऑल राइट? गुड, चलो। डॉक्टर तृष्णा से मिलने जाना है शाम को। ठीक है। हेलो, हाँ हाँ सर, मैं आ रहा हूँ। वो बात, मिश्रा तूने लिया क्या? हाँ लिया ना, चार पेग लाके टुन्न हो गए। अरे मिश्रा, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, तूने फाइल लिया क्या? फाइल 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 लिया क्या? फाइल? अरे ससुरा, वही तो हम कह रहे हैं, चार पेग लिए, चार पेग। वो का है, कल बहुत ठंड लग रही थी और हम जहाँ रहते ना उके पिछवाड़े ही सागर है, तो भैया सुनामी का तो डर है, तो चार पेग लगा के टुन हो गए। अरे मिश्रा, तुम्हारी कानपुर में हड़ताल, मैं पूछ रहा हूँ तुमने फाइल ही क्या? फाइल फाइल। वही तो कह रहे हैं, चार पेग लगा के टुन मास। अरे मिश्रा, मित्तल साहब का फोन आ जाएगा, मानव साहब को क्या जवाब दूं? क्या हंस रहा है? गुड नाइट सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड बाय। अरे यार, मैं जब भी फोन करता हूँ कोई ठीक से जवाब क्यों नहीं देता है मिश्रा जी? चढ़ा। एक काम करो, मेरी तनख्वाह से कुछ पैसे निकाल कर दूंगा, इसे कान का मशीन खरीद कर देना, समझ गए ना? गिफ्ट में। थैंक यू। क्या थैंक यू? चल अंदर। ये मिश्रा हमेशा फोन की रिंग सुनता है, बाकी कुछ सुनता नहीं है क्या? अरे चुप। शड़ा। ये देखो बॉस का फोन आया है, क्या जवाब दूं उन्हें? क्या जवाब दूं उन्हें? गुड मॉर्निंग सर। What happened मिस्टर मानव, इतनी देर? सर वो डिटेल्स है ना सर, है ना सर? सर हमने अमेरिका के लिए माल डिस्पैच किया है और आज बासमती राइस, हल्दी और ग्रेप्स लोड कर दिए हैं। शट अप। नहीं नहीं सर, वो आपको नहीं। और एक गुड न्यूज है सर, सैमुअल, हाँ वही कनाडा सैमुअल रॉस एंड कंपनी से हमें ऑर्डर भी मिले हैं। हाँ, और एडवांस भी मिला है सर। हमें नया कंसाइनमेंट मिल सकता है, मैं यहाँ किसी से मिलने आया हूँ।
तुम अपने फूड सप्लायर्स को तुरंत कॉन्टेक्ट करो। जी 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 बिल्कुल। एंड लेट मी नो द पोजिशन। यस 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 आई डू सर, आई डू, डोंट वरी। गुड डे। बैठना यार। हेलो हेलो, हाँ हाँ बोलिए। मिश्रा, फोन की रिंग नहीं बजी है। सर सर कॉफी लाओ, के लिए थोड़ी कॉफी, कॉफी सिर्फ मेरे लिए। कॉफी सर प्लीज। कॉफी मिसेस श्रीवास्तव, कॉफी लीजिए। थैंक यू। हाँ आप बताइए। सर आज महाड़ा में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से आपकी लंच पर मीटिंग है। okay. उसके बाद 3:30 बजे मिस्टर खन्ना आपसे मिलने आ रहे हैं, और वो चेन्नई में बन रहे तिरुपति रिसोर्ट और पुणे में हो रहे हमारे चिंतामणि हाउसिंग सोसाइटी के टेंडर्स के बारे में डिस्कस करना है। उसके बाद 7:30 बजे ओबेरॉय टाज में होने वाली वो मीटिंग में आपको। इस मीटिंग में तुम मेरे साथ रहोगी, प्लीज। सर सॉरी। एनी प्रॉब्लम? मेरा डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। ओके नो प्रॉब्लम मैत्री, गो टू द डॉक्टर एंड अपने सारे प्रॉब्लम्स डॉक्टर को खुल के बताओ। यू आर अ बोल्ड वुमन, और देखो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ मेंटल स्ट्रेस ओनली। मैत्री तुम मुझे एक बहुत ही कॉन्फिडेंट औरत लगती हो, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी जिससे तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। ओके नाउ गो, नो प्रॉब्लम। ओके जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यू आर मोस्ट वेलकम। सर मेरी सहेली का फोन है, शैल आई टेक इट? प्लीज डू, प्लीज। थैंक यू सर। हेलो हेलो मिकी। सर एक्सक्यूज मी। ओके ओके ओके। सरोज कमाल है, तुम मुंबई आती हो और मुझसे बगैर मिले चली जाती हो। हाँ सॉरी मिकी सॉरी, अगली बार आऊंगी तो तुमसे जरूर मिलूंगी। काम में हो? हाँ काम में हूँ, ऑफिस में हूँ। ओके मैं बाद में फोन करती हूँ, ठीक है बाय। ओके बाय। ओ माय गॉड, बंदूक मार्केट गया होगा। बंदूक चाचा? हाँ बोलो बिटिया। बैंगन लेना, भरता बनाएंगे, और लाल टमाटर, भिंडी और हाँ ले लिया सब, लौकी भी ले ली। हाँ चाचा, हाँ थैंक्स। और चाचा संभल कर जाना, और ध्यान में रखना खाना शांताबाई ही बनाएगी। ओके ओके बाय। बंदूक जी कैसे हो भाई? अरे मेहता जी आप हैं? चल रहा है ठीक है। संभल के चला बंदूक जी। अरे वाह मेहता जी की लग रही है गाड़ी। लोग अपनी जिंदगी कम दूसरों की जिंदगी ज्यादा जीते हैं, मगर मुझे चिंता है मानव की। जिस मानव ने मुझे अपनी पूरी जिंदगी दे दी, उस मानव को मैं एक सांस भी नहीं दे पाई। क्या हो जाता है तुम्हें मैत्री, तुम्हारी यही सोच ही तुम्हें तकलीफ देती है। तृष्णा मैं गलत सोचती हो तुम, मन ही मन घुटते रहना अच्छी बात नहीं है। मैत्री यहाँ ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसे कोई गम ना हो। हर इंसान बेबस है, परेशान है, कोई जिंदगी को ढो रहा है, कोई जी रहा है, और तुम्हें जीना है हर हाल में खुश रहकर। शरीर तो जी रहा है लेकिन मन का क्या? उसे उम्मीद से बांधो, आशाओं की लौ जलाए रखो। तुम मेरी दोस्त हो, कमजोर नहीं हो सकती। बहुत ज्यादा सोचती हो तुम, बहुत ज्यादा सोचती रहोगी तो खुद में सिमट जाओगी। निराशा की मंजिल सिर्फ मौत है मैत्री, जिंदगी की राह पे आगे बढ़ो, उजाले अपने आप साथ हो जाएंगे। तुम एक पढ़ी लिखी स्ट्रॉन्ग वर्किंग वुमन हो। कृष्णा तुम बहुत अच्छी हो। पता है आज सुबह ही एक डिलीवरी हुई है, औरत 40 साल की है और शादी के बाद 16 साल उसे इंतजार करना पड़ा, अब जाकर माँ बनी है। आओ तुम्हें मिलवाती हूँ। चलो चलो। अरे समधन जी आप भी मंदिर आती हैं, अब क्या मांगेंगी आप? बेटी तो बड़े खानदान में ब्याही है आपने, अगर झूठ ना बोलूं तो। सो तो है, मैत्री का ही सौभाग्य है। हाँ सच तो ये भी है, झूठ ना बोलूं तो दुर्भाग्य हमारा ही है। बहू सोच कर लाई थी लेकिन आपकी बेटी बलाबन का हलक में अटकी हुई है। बहन जी आपको पता नहीं पुजारी जी क्या कह रहे थे, आपकी बेटी मंगली है, शनि की बाधा है। झूठ ना बोलूं तो ये भी सच है, हमारा मानव भी अभागा है बेचारा।
पता नहीं बहू ने क्या जादू टोना किया है उस पर। टोटका, हजार बार कहा था उसको कि चौबे जी की बेटी के साथ शादी कर ले, रिश्ता भी आया था, लेकिन ना, चौबे जी की बेटी को तीन तीन बेटे हैं और हम अभी तक आस लगाए बैठे हैं कि बहू पोता देगी। क्यों नहीं, मुझे विश्वास है। लेकिन मुझे विश्वास नहीं है समधन जी, झूठ ना बोलूं तो एक बात सच है, बेटी अपनी होती है और बहू पराई। आप ऐसा न कहिए, न घर न घर बार, न पोता न परिवार। समधन जी, एक सत्य कथा है कि किसी गांव में एक पढ़ी लिखी लड़की को जलाकर मार डाला। अब पूछिए क्यों, बेऔलाद जो थी वो किसी खबरों के चैनल में सुना है मैंने। हाँ, हम ठहरे शरीफ लोग, बर्दाश्त कर रहे हैं। हेलो, तुम अपनी मनमानी करोगी क्या मैत्री? माँ, मत कहो मुझे माँ। क्या बात है माँ, नाराज क्यों होती हो? बाबूजी तो सब जी रहे हैं मैत्री, शायद जिंदा रहना और बातें सुनना ही हमारी तकदीर है। सासू माँ ने कुछ कहा वो तो कहेगी ही ना, चाहे सड़क पर मिले या मंदिर में, बातें तो सुनाएगी ना। कितनी बार कहा है कुछ इलाज करा ले, डॉक्टरों से भरा है ये शहर। ओहो माँ प्लीज, तुम्हारी सास बता रही थी मैं बे औलाद बहू को जलाकर मार डाला। क्या मतलब है इसका? कई मानव तो अपनी माँ से ऐसी बातें नहीं करवाता। क्या क्या कह रही हो माँ? देखो सुनो मेरी बात, इतनी घिनौनी बात मानव सोच भी नहीं सकता। तुम समझते क्यों नहीं, अपना मेडिकल चेकअप करवाओ, पता तो चले दोष किसमें है। सरे हम शर्मिंदा होना पड़ता है। बस 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 करो माँ, मेरा साथ भाग जाएगा। देखो हेलो हेलो माँ, माँ सुनो ना, माँ तुम तो मुझे समझने की कोशिश करो, मुझे कोई नहीं समझता, सबने तमाशा बना के रखा है, सब लोग मुझे जलील करते हैं। बंटी बंटी, क्यों करते हैं लोग ऐसा मेरे साथ? बंटी तुम टेडी से खेलोगे? खेलोगे हाँ, टेडी से खेलोगे हाँ, टेडी से नहीं फिर दूध पियोगे, तुम दूध पियोगे हाँ। मैत्री संभालो, खुद को संभालो, तुम कोई साधारण औरत नहीं हो, MBA, यू आर MBA, 25,000 तनख्वाह है तुम्हारी, मेरी माँ को क्यों जलील होना पड़ता है, क्यों होता है मेरे साथ ही? आइसक्रीम। मिलिट्री टोल दिया नहीं सर। ओह सॉरी 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 सॉरी, भूल गया, ये लो। और मिस्टर बंदूक, यस सर, कल शाम को हम आई स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे और तुम्हारी आंखों का इलाज कराएंगे। नहीं नहीं सर। क्यों? इन बंद आंखों में बहुत शांति है सर, खुली आंखों से बहुत रंग देख चुका हूं मैं दुनिया के, अब तो अंधेरे से प्यार हो चुका है मुझे, ऐसे ही रहने दीजिए सर। बंटी बंटी बंटी, तुम माँ कहो, माँ माँ मम्मा, मम्मा कहो ना, मम्मा मुझे मम्मा। मैत्री तुम प्लीज क्वाइट, शांत हो जाओ, शांत शांत। नहीं मैं ठीक हूँ मैं, लेकिन मैं कैसे बर्दाश्त करूँ ये। बंटी तुम अभी पापा को बुलाओ, पापा को बुलाओ, बस पापा पापा मानो। आया आया, मैं मैत्री को आइसक्रीम देकर आता हूँ। बच्चे लोग आइसक्रीम, मैडम आइसक्रीम। क्यों जिद कर रहा है, कान टोपी नहीं पहनेगा? चलो कान टोपी पहनना जरूरी है, इससे ठंडी हवा कान में नहीं जाती और लोगों की बुरी बातें कान तक नहीं पहुंचती। मैडम आइसक्रीम। मैडम मैडम मैडम, लीजिए, आते वक्त मैंने आपकी पसंद के सारे फ्लेवर्स लाकर रखे हैं, आइसक्रीम और कैडबरीज। हाय हाय।
इन आंखों पर मर मिटने को जी चाहता है। What a warm look. चुमलू? बंटी? अच्छा आइडिया है, हम बंटी को आइसक्रीम खिलाएंगे। नहीं गुड, बिल्कुल नहीं। क्यों? उसे ठंड लग जाएगी, सुबह से छींक रहा है। तो फिर अपने आंचल में छुपा लो या फिर सीने से लगा लो। आंचल में? हाँ, लेकिन किसी वहम को नहीं, अपनी औलाद को। अपनी औलाद को? हमारी औलाद को। औलाद नहीं है इसलिए तो घुटन होती है। मैत्री? सॉरी सॉरी, मुझे ऐसा लगता है कि आग के लपटों से मेरा दिमाग जल रहा है। मैत्री संभालो अपने आप को। कोई फायदा नहीं, ये बोलने वाले हैं ना। अरे बोलने वाले भाड़ में जाए। तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम आइसक्रीम खा लो, आइसक्रीम खा लो, आइसक्रीम। नहीं चाहिए मुझे आइसक्रीम। संभालो मैत्री, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारे मन को। लेकिन दुनिया नहीं समझती, और दुनिया गई जन्म में, सासू माँ भी नहीं समझ पाती। सॉरी टू से माना, लेकिन सासू माँ से मुझे बहुत तकलीफ होती है। कम ऑन स्वीट हार्ट, हम किसी का स्वभाव नहीं बदल सकते। लेकिन तकलीफ मेरी माँ को क्यों मानव? मैं उनकी बहू हूँ, मैं उनकी गुनहगार हूँ, मैं नहीं बच्चा दे पाई। अरे बच्चा ही सब कुछ होता है क्या? ऑफकोर्स है, ऑफकोर्स। छोटे कपड़े पहनने से, आजादी मिलने से कोई मॉडर्न नहीं हो जाता मानव। हमारी सोच वही है पुरानी, बहू मशीन की तरह बच्चे पैदा करती रहे, चूल्हा चौकी करे, गृहस्थी की चौकट पर रगड़ रगड़ कर मरे। ठीक है ना? ठीक है, लेकिन सासू माँ मुझे बोले, मुझे दोष दे, मुझे मारे पीटे चाहे जला दे, लेकिन मेरी 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 माँ को क्यों, मेरी माँ को क्यों जलील करती है वो? सड़कों पर, मंदिर में मेरी माँ को सुनाती है। मैत्री शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ, मैं अपनी माँ को साफ साफ कह दूंगा। सासू माँ कहेंगी दूसरी शादी कर लो, पोता तो चाहिए। मानव तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? क्यों, क्या है मुझ में? मैत्री शांत हो जाओ। नहीं, माँ का फोन आया था, रो रही थी बेचारी। क्यों उसे इंसल्ट किया जाता है, कितनी बार 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 लगातार। प्लीज स्टॉप दिस। नहीं, मुझे बर्दाश्त नहीं होता अब ये। मैत्री मेरे दिमाग की नसें फट जाएंगी। माना मरने दो मुझे, जाओ मरने दो। ये क्या पागलपन है? हाँ, पागल हूँ मैं। क्यों इस पागल को गले में लटका कर घूमते हो? छोड़ दो ना। सच कहती है सासू माँ, मैं नहीं बच्चा दे सकती। शायद मुझ में खोट हो सकती है। नहीं, क्यों नहीं हो सकती बताओ ना मैत्री, क्यों नहीं हो सकती? देखो मैत्री, हमने अभी तक मेडिकल टेस्ट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से जुदा होकर नहीं जी सकते हैं। अगर टेस्ट के बाद कहीं मुझ में कोई कमी होगी तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? या तुम्हें कोई कमी होगी तो क्या मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? नहीं मैत्री। और जब हम एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते तो क्यों उस सच को जानने की कोशिश करें जो जानलेवा हो? क्यों मैत्री, हम कुदरत को चैलेंज नहीं कर सकते। अगर हमारे भाग्य में बच्चा है तो 8 साल के बाद या 10 साल के बाद बच्चा हो सकता है, अगर नहीं है तो नहीं। क्यों अटहास करें? जो है उसी में खुश रहना चाहिए, है ना? समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? सवाल बाकी लोगों का है, दोष मुझ पर थोपा जाता है। इसीलिए, क्योंकि तुम हर बात को दिल पर लगा लेती हो। माना, तुम भी मुझे ही दोष दे रहे हो। फिर वही बात। सासू माँ बहू को जलाने की बात कर रही थी। बस मैत्री बस, बहुत हो चुका अभी। तुम्हारी माँ बहुत कुछ कहती है मानव। तो क्या करूँ मैं अपनी माँ को कैसे चुप करूँ? नहीं, तुम मुझे चुप कर दो। मार डालो मुझे, मार डालो। मैत्री कम ऑन, किल मी, किल मी मानव। सुनो मुझे, नो, मैत्री, जला दो, मैत्री, जला दो मुझे। मैत्री तुम पागल हो गई हो क्या? मैं पागल हो गई हूँ मानव, मैं पागल हो गई हूँ मानव। Thank you.
गॉड, खून 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 निकल आया है। आई एम सॉरी मानव, आई एम रियली रियली सॉरी। तुम आओ, मेरा भी दिमाग ना, क्या करती हूँ मैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, फिर से लगेगी ना बंदूक बंदूक। बैठो दिखाओ। ओ माय गॉड सॉरी। बंदूक चाचा, बंदूक चाचा, बंदूक चाचा इधर लाओ। आई एम सॉरी मानव, माँ ने फिर बोल दिया ना तो मेरा भी दिमाग। दिखाओ दिखाओ मुझे, देखने दो मुझे। सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। हेलो सर, हेलो। आई थिंक आज शाम तक फोन आ जाना चाहिए। जी नहीं नहीं, डोंट वरी, मैं उन लोगों से कांटेक्ट में हूँ। जी जरूर जरूर, आई लेट यू नो सर। होल्ड प्लीज, मैत्री तिरुपति रिसोर्ट। या दिस वन, एप्लीकेशन एप्लीकेशन, जस्ट अ मिनट, होल्ड प्लीज सर। एप्लीकेशन 2 महीने पहले का है सर। जी थैंक यू। ओके सर, प्लीज लेट मी नो, प्लीज। थैंक यू। एनी टेंशन सर? हाँ, आज चेन्नई में टेंडर ओपन होने वाला है। ओह रियली? मैं प्रे करूंगी सर, ये कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी को ही मिले। प्लीज प्रे मैत्री, प्लीज प्रे। ऑफ कोर्स। बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ। बहुत बड़ा। यू नो 200 crores, जस्ट इमेजिन। यू नो समथिंग मैत्री, तुम बहुत लकी हो मेरे लिए। मैं? सर आप खामखा मेरी तारीफ कर रहे हैं। नो आई रियली मीन इट। वो MSRDC और MPSRDC के रोड्स और फ्लाइओवर ब्रिजेस के टेंडर्स तुम्हीं ने तो बनाए थे। अगर ये बात है तो ये काम भी आपका हो जाएगा। लेट्स होप। सर लंच? नो नो मैत्री, अभी शाम तक मुझे कुछ सूझेगा नहीं। सर टेंडर खुलने वाला है। मानव का लंच लिया? नहीं लिया, खाना खा लिया। खा लिया सर। हेलो हेलो, इतना यार मेरे कान के दुश्मन, बैठ जा, क्या करते रहता है। हेलो स्वीटहार्ट, मैं जानता था तुम फोन जरूर करोगी। खाना बहुत ही बढ़िया बनाया था। अरे बैंगन का भरता तो बहुत ही टेस्टी था। चटपटा था तुम्हारी बातों की तरह। और करेले की सब्जी तुम्हारी तरह थी मीठी। मैं करेला हूँ? अरे नहीं नहीं पगली, मतलब तुम किसी भी कड़वी चीज को मीठा बनाती हो, है ना? बस एक बात की कमी थी। खाना खिलाने के लिए तुम्हारे प्यारे से हाथ नहीं थे। काश तुम भी मेरी ऑफिस में काम करती और I'm sorry. ऑफिस में किसी ने पूछा तो नहीं चोट कैसी लगी? सबको मालूम है कि मैं झगड़ालू हूँ। ए नहीं यार, किसे टाइम है ये सब पूछने के लिए, कुछ नहीं। हाँ, और इसे मैं प्यार की निशानी समझता हूँ। एक छोटी सी चोट और ढेर सारा प्यार, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन रहा तो मैं रोज एक चोट बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। मानव अब मुझे चिढ़ाओ मत। क्या हुआ मैत्री, फोन दो फोन दो। अरे दो यार फोन, मुझे पता है। हाँ हेलो हेलो मिस्टर डिसूजा, हाउ डू यू डू? फैंटास्टिक। अरे मैं जानता था तुम मानव ही हो। क्यों अपनी भोली भाली प्यारी और खूबसूरत बीवी को चिढ़ाते हो, हमेशा रुलाते हो उसे? हाँ अरे वो तो प्यार के आंसू हैं। मैं भी, यू आर राइट मानव, आई एम नॉट अ मैरिड पर्सन यार। आई एम अनमैरिड। वैसे भी ये औरतों का जो रोना धोना होता है वो बड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता है। एनीवे कभी मिलते हैं मानव, हाँ पार्टी करेंगे, लेट्स हैव ड्रिंक। हाँ जरूर जरूर। ए लेकिन एक प्रॉब्लम है मेरा, मैं जब भी पीता हूँ तो बहुत ज्यादा पी लेता हूँ, बेहोश हो जाता हूँ मैं, और संभालना पड़ता है मुझे। संभालोगे मुझे? ओके ओके बाय। ओके ओके, जरा फोन उसे दे देना।
अरे यार, तुम्हारा बॉस तो बहुत ही रोमांटिक है। हाँ मानव, तुम नाराज मत होना, कल जो हुआ ना वो फिर नहीं होगा। Hey, forget it. I love you. I love you too. एक काम करो, आज शाम को जल्दी आना, बाहर चलते हैं खाना खाने। आज नहीं, कल चलेंगे। वैसे भी हमारी कल मैरिज एनिवर्सरी है, याद है ना? तो एक काम करता हूँ, मैं घर जल्दी जाकर तुम्हारे लिए फर्स्ट क्लास खाना बनाता हूँ। ओके बाय। सिद्धि विनायक ज्वेलर्स। बंदूक। यस सर। देख मैंने खाना बनाया है। ये है आलू मटर, ये है बैंगन का भरता, वाह वाह वाह, बढ़िया है बढ़िया। और ये है कड़ी। और कुछ बचा है? कुछ बचा है क्या? क्या 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 रह गया? एक कुछ रह गया यार, हाँ, आम का अचार। कहाँ रखा है वो? एक मिनट। क्या? ये अपना स्टैंड है ना, स्पून स्टैंड, उसके पीछे देख। वो किधर है? इसी टेबल पे है। अरे हाँ हाँ, इधर ही है। मिल गया। मिल गया। हाँ बढ़िया है। अच्छा तो देखो, आज पूरा दिन हम लोग वेजिटेरियन खाना बनाएंगे और कल पूरा दिन हम नॉन वेजिटेरियन खाना बनाएंगे। ओके हाँ अच्छा ओके ओके। और एक बात देखना, ये प्याज और टमाटर बराबर से काटना, और देखना तुम्हारी उंगली ना कट जाए, ठीक है? और जरा मैंने क्या कहा है, जरा देख कर काटना, संभल कर काटना। बंदूक, कल यहाँ पर बड़ा जश्न होगा, समझे? अरे कैंडल जलाएंगे, बलून छोड़ेंगे, समझे? और फिर ऐसे डांस करेंगे, टड़ा 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 टड़ा। और फिर हम लोग खाना खाएंगे और फिर हम लोग दारू पियेंगे। मैं तो फुल टाइट हो जाऊंगा। आप तो हर वक्त टाइट हो जाते हैं ना सर पी के। अरे इसीलिए तो एक आध बारी पीता हूँ मैं। क्या 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 मैडम? वेलकम वेलकम वेलकम। मैंने कहा था ना तुम्हें कि आज मैं खाना बनाऊंगा, पूरा वेजिटेरियन खाना बनाया है। मैत्री, ये क्या मुंह लटका के खड़ी हो? क्या हुआ? दो घंटे से हम दोनों किचन में मारामारी कर रहे थे, मालूम है? इतना अच्छा खाना बनाया है हमने, लगता है टेंशन हो गया है। हम लोगों ने खाना बनाया ना इसलिए। हाँ साहब जी। अरे ऐसा कैसे होगा, आज तो हम खाना खिला कर ही रहेंगे। जाओ 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 जाओ, प्याज काटो प्याज काटो, जाओ 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 जाओ। क्या हुआ? अरे इतनी मेहनत से मैंने खाना बनाया और तुम ऐसे बैठी हो, क्या हुआ? मैं नहीं जाऊंगी। हाँ तो मत जाओ। किसने कहा तुम्हें? बॉस ने कहा। क्या? मुझे चेन्नई जाना होगा मानव। कब? आज रात 10 बजे की फ्लाइट है। मानव, जाना इतना जरूरी है क्या? नहीं, तुमसे जरूरी तो कोई बात नहीं है मेरे लिए। अगर तुम नहीं जाओगी तो नुकसान हो जाएगा। ठीक है ठीक है, फिर जा। नहीं मैं नहीं जाऊंगी। नहीं ऐसे नहीं करते, जिद मत करो। देखो हम लोग अपने आप से और अपने काम से उतने ही कमिटेड हैं, है ना? जाओ। एनिवर्सरी क्या, तुम फिर जब आओगी तब मनाएंगे ना? मानव तुम भी चलो ना, चेन्नई में मनाएंगे एनिवर्सरी। हाँ अरे पगली, मैं नहीं आ सकता। क्यों? मेरा बॉस आउट ऑफ स्टेशन है, पूरे ऑफिस की जिम्मेदारी है मुझ पर। मैं नहीं, तुम जाओ, तुम जाओ ना, तुम जाओ। तुम वापस आओगी तब हम लोग अपनी एनिवर्सरी मनाएंगे। अरे वैसे भी तुम मेरे साथ होती हो तो हर दिन मेरा त्योहार होता है। जाओ जाओ जाओ, तुम जाओ। जाओ तुम जाओ, अपनी बैग पैक कर लो। हाँ और हाँ हाँ सुनो, मैंने जो खाना बनाया है ना वो खा लेना। हाँ तुम, मैं डिब्बे में दूंगा तुम्हें, वो डिसूजा को खिलाना तुम।
सिद्धिविनायक ज्वेलर्स। तुम्हें पसंद आया ना? मैं ले आई। हाँ, हाथ दो। इतने क्या जल्दी थी? ऑफ कोर्स, मानव हर काम का एक वक्त होता है, इंपॉर्टेंस होता है। ब्यूटीफुल, थैंक यू। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब आंखें बंद करो। नहीं मानव, तुम नहीं, 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 मैं नहीं, 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 नहीं। देखो देखो, कुछ नहीं करूंगा। नहीं, प्लीज 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 प्लीज, आंखें बंद करो। ठीक, बंद करो ना। ठीक है, हाँ जल्दी खोलना। नहीं खोलू? खोलो। पटेल ज्वेलर्स, मुम्बा देवी दर्शन के लिए गए थे, मैंने यूं ही बोल दिया और तुम ले आए। कैसा है? बहुत अच्छा। ये डिसूजा विलन बन रहा है? नहीं मानव। फोन। डिसूजा का है? नहीं मानव, देखने तो दो। डिसूजा का है, मुझे छोड़ो ना। दिल्ली से है। हेलो। हेलो मिकी, इज दैट सरोज? कमाल की दोस्त हो यार तुम। बचपन की सहेली होकर चार चार बार याद दिलाकर एक फोन नहीं कर सकती हो? ओके सॉरी, अब भाषण मत दो यार। भाषण नहीं, तकलीफ दे रही हूँ। मेरी ननद है ना नियति, हाँ निन्नी, वो मुंबई आ रही है। यूं ही दो चार दिनों का काम है यार उसका, मैंने उसे तेरा पता दे दिया है। अरे अब तक तो मुंबई पहुँच भी गई होगी वो। मतलब आज ही? ओहो, वो तो अभी आती ही होगी। मेरी ननद है यार, ससुराल का मामला है, जरा उसकी खातिर कर देना प्लीज। हाँ मैं उसकी खातिरदारी करूंगी, यू डोंट वरी। मगर मैं, अगर मगर कुछ नहीं, हम लोग बाद में बातें करते हैं। तू उसकी खातिरदारी जरूर करना प्लीज, बाय। ये सरोज, क्या हुआ? ये सरोज बिल्कुल पागल है, पहले इन्फॉर्म ही नहीं किया मुझे, अब उसकी ननंद आ रही है नियति, दो चार दिन रहेगी यहाँ, क्या करूँ अब? तुम ही तो नहीं हो? वही तो। डोंट वरी, हम उसे होटल में भेज देंगे। हाँ नहीं मानव, होटल कैसे भेज देंगे उसको? कुछ ना कुछ करना होगा, सहेली है मेरी, क्या कहेगी वो? पहली बार कुछ करने के लिए कहा है उसने मुझे, फंस गए ना अब। तो क्या करें? क्या करें, मुझे भी निकलना है। ओह माय गॉड, सरोज कह रही थी वो मुंबई आ चुकी है। लो आ गई वो। हेलो, गेस्ट हाउस चेन्नई। आइए, संभल के, यहाँ पर दो स्टेप्स हैं, आराम से आराम से, एक दो। हाय हाय, आई एम नियति। मैत्री जी। आई एम मैत्री, दिस इज माय स्वीट हस्बैंड मानव। हाय। ये बेडरूम में रख के आता हूँ मैं, और यहाँ पे आओगी ना तो फिर दो स्टेप्स हैं, संभल के आना, राइट में तुम्हारा बेडरूम है। निनी तुम बहुत स्वीट हो, जस्ट लाइक अ बार्बी डॉल, है ना? हाँ, वही तो मैं देख रहा हूँ कि दिल्ली की हवा और खाना खाने के बाद भी अच्छा मेंटेन किया है, हाँ? है ना? मैं तो साल में सिर्फ एक बार दिल्ली जाता हूँ, फिर भी मेरा 4-5 किलो वजन बढ़ जाता है, क्यों है कि नहीं? बिल्कुल। डिसूजा का होगा फोन, हाँ? उठा लो उठा लो। हेलो सर। अब तक घर में हो? कम सुन यार, लेट हो जाओगी प्लीज। बस निकल रही हूँ। ओके कम सुन डियर, बाय, एयरपोर्ट में मिलते हैं। या सर ऑफ कोर्स। नैनी मुझे जाना होगा, आई हैव टू लीव। जी मुझे चेन्नई जाना है, ऑफिस का काम है। सॉरी मैत्री जी, मगर भाभी जी ने कहा वो। हाँ मुझे ना सरोज ने बताया भी नहीं तुम आने वाली हो, प्लीज सॉरी लेकिन मुझे जाना होगा, और कल हमारी शादी की एनिवर्सरी है। ओ रियली? लेकिन रिलैक्स, ये घर तुम्हारा ही है। मानव प्लीज, एंड ऑफ कोर्स मैरिज एनिवर्सरी पर मानव को कंपनी देना। सो एंजॉय। या एक्सक्यूज मी मैत्री। I love you मानव। अरमानों की इस धरती पर कितनी ही उम्मीद है, हमने 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 हम दोनों ने
हैप्पी एनिवर्सरी डियर। विश यू द सेम। मैंने बुके भेजा था, मिला? मगर पप्पी। ए, फोन पर चाहिए। मानव, आई मिस यू। आ जाओ ना मेरे पास। ए पगली, मैं तो तुम्हारे धड़कते दिल में हूँ, मन में हूँ, होठों पे हूँ। आई लव यू। ये हमारी 7th एनिवर्सरी है ना, अभी 7 जन्म का वादा है। वो तो है। थक गई हो, सो जाओ। लेकिन नींद कहाँ आएगी, तुम अपनी बाहें फैला दो। मैत्री। मानव, किसकी आवाज है ये? बेडरूम में कोई है? हंस क्यों रहे हो? अरे यार, तुम औरतों के दिमाग से शक कभी जाएगा भी? एक मिनट। उस चेन्नई में मैंने तुम्हारे लिए फूल भेजे हैं और तुमने मेरे लिए यहाँ पे ब्लडी फूल छोड़ रखा है। सुनो, सुना? सॉरी सॉरी। अब आराम से सो जाओ, कल बातें करते हैं। ओके बाय। नियति, आप? अरे तुम यहाँ क्यों सोई हो? जाओ ना बेडरूम में जाकर सो जाओ। जा, जा। नियति, नियति, क्या हो गया तुम्हें? नियति, तुम ठीक तो हो? नियति, अरे बंद बंद। नीति, मैत्री, गुड मॉर्निंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। क्या हो रहा है? हेलो मानव, कहाँ खो गए? नहीं कुछ नहीं, पेपर पढ़ रहा हूँ। चाय? हाँ ले रहा हूँ। ओके बाय। अरे पागल मानव जी, मैत्री जी को चैन नहीं है। क्यों? हाँ, हर 10 मिनट के बाद फोन। देखो आया। बोलो। हेलो मानव, मैं ना बहुत अजीब सा फील कर रही हूँ, दिल धड़क रहा है मेरा। यू नो, दो बार नहाने के लिए गई, बगैर नहाई चली आई। बहुत अकेलापन महसूस कर रही हूँ, तुम आजू बाजू नहीं हो ना?
तुमने नहा लिया? Oh my God, पता नहीं मैं क्या पूछ रही हूँ। ओके बाय बाय। पागल। Happy marriage anniversary. Thank you, sir. So nice of you, sir. You know something, Maitri? मैं जीसस से हमेशा कहता हूँ क्या कि मुझे वाइफ चाहिए तो बिल्कुल तुम्हारी तरह। लकी है यार मानव, लकी है। काश मानव से पहले हम तुमसे मिले होते। सर, गॉड ब्लेस। थैंक यू सर। मैत्री, आज पार्टी चाहिए। दूंगी आज पार्टी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। दूंगी ना सर। नाउ मूव फास्ट, मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस है भाई। यस सर। मैं लॉबी में इंतजार करता हूं। हां, कम से आती हूं। पक्का? पक्का। बाय। संभाल के रखना। मानव जी, बेल बज रही है। बोलो स्वीट हार्ट। तुम लॉन में हो? आज बहुत देर तक तुम लॉन में हो? बस वो वो। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। बाय द वे, निन्नी कैसी है? अच्छी है, अच्छी है। अच्छी है? वो उसका ख्याल रखना, सरोज नाराज हो जाएगी। एंड एंजॉय द डे, बहुत सुंदर, अच्छी कंपनी है। तुम्हें भी तो अच्छी कंपनी मिली है, मिस्टर डिसूजा। वो तो है, टॉल डार्क एंड हैंडसम मिस्टर डिसूजा। ओके, आई एम गेटिंग लेट। ओके बाय, सी यू लेटर। बाय। 10 मिनट की फुर्सत नहीं देती है। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी मानव जी। थैंक यू। सच मैंने इतना ज्यादा प्यार करने वाला कपल कभी नहीं देखा। ओह रियली? Wish you all the happiness, all the thank success, you. All the thank all you. The happy marriage anniversary. बंदूक। नाश्ता तैयार है श्रीमान। आइए 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 सर। Happy wedding anniversary sir. Thank you. Thank you very much. Happy marriage anniversary sir. Thank you Stella. Sir, शादी की सालगिरह मुबारक हो। हाँ। थैंक यू वेरी मच सर। सर, हैप्पी मैरिज मैरिज एनिवर्सरी। थैंक यू सर। सर सर, लेकिन ये सब आप लोगों को कैसे? हमें तो पता है सर, लेकिन आज आप ऑफिस कैसे आए? अरे क्यों? अरे आज आप छुट्टी पे हो सर। छुट्टी पे? हाँ। किसने कहा? सर, आज आपको ऑफिस में आना मना है। मुझे किसने मना किया? इसलिए कि मैडम का आप फोन आया था। जॉन, आइए मैडम आइए। मैत्री का फोन आया था यहाँ? अरे नियति, तुम यहाँ यहाँ कैसे? मैत्री जी ने कहा है आज आप मेरे साथ घूमने जाएंगे। जिस तरह हर एनिवर्सरी पर आप टेंपल जाते हैं, फिल्म देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो सब तो ठीक है, लेकिन जाइए जाइए। अरे 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 अरे, वो सब तो ठीक है, लेकिन वो बात। अच्छा अच्छा, ओके ओके। मिश्रा जी, ये लीजिए, ये पकड़िए। ओके बाय 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 बाय। जान, आज हमें हमारे गांव की याद आ गई। Yes, now cake. La 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 la. लीजिए, केक काटिए। काटिए काटिए साहब जी, केक काटिए। जल्दी जल्दी। आ आ मुंह खोलो।
विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. बंदूक. हाँ बजाऊं क्या? अरे नहीं नहीं, अरे ये लो. हाँ खोलो. Cheers. वाह 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 साहब जी. देर तक ड्रिंक्स चल रहे होंगे, अब गधे बेचकर सो रहा है, क्या करूं? निनी को फोन लगाती हूं. हेलो हेलो निनी,
अभी तक नींद में हो क्या? नहीं नहीं मैत्री जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी रही पार्टी? बहुत एंजॉय किया ना? वैसे मानव बहुत हम्बल और रिजर्व्ड इंसान है, लेकिन मेरा ख्याल है तुम्हारे साथ बहुत एंजॉय किया होगा, है ना? जी जी, हमने एंजॉय किया, केक काटा, कैंडल जलाया, ड्रिंक्स और मानव के साथ। माय गॉड, गैलन है गैलन। एक तो पीता नहीं है, बहुत रेयर पीता है, और पीने लग जाए तो फुल टाइट हो जाता है। और बंदूक चाचा, वो तो नाचने लगते हैं पीने के बाद। यू नो नैनी, मैंने बहुत मिस किया कल। नैनी सुन रही हो ना? जी जी, जो आपने कहा मैंने कल वो एक्सपीरियंस किया। गुड, मानव सो रहा है ना? शायद, आई डोंट नो। देखो। नहीं नहीं ठीक है, मैं बाद में फोन कर लूंगी। बाय बाय। शांता भाई से कहो ठीक से काम करना है तो करे, वरना मैं कर लूंगा। वैसे भी शांता भाई अभी पेट से है ना? तुम गैस के पास नहीं जाओगे। नहीं नहीं, पहले दहेज में आए हो, बिगुल बजाओ। कहाँ गई ये लड़की? हेलो, गुड मॉर्निंग, क्या बात है? कल रात मेरी याद में कुछ ज्यादा पी ली तुमने? देखो मैं कभी कम पीता ही नहीं। कोई शरारत तो नहीं की ना? वैसे निन्नी, What do you mean? अरे मैं मजाक कर रही थी। मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं है। गुड मॉर्निंग मानव जी। अरे हाँ, गुड मॉर्निंग। मैत्री जी का फोन आया था, वो पूछ रही थी। मैंने कहा मतलब एनिवर्सरी। मानव जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं नियति, आज मैं अपनी नजरों में गिर गया हूं। इतना गिर गया हूं कि शर्म के मारी मेरी गर्दन झुक गई है, और मेरी नजरों में मेरी इज्जत नहीं रही तो मैं किसी से नजरें कैसे मिला सकता हूं? क्षमा मांगने के लायक भी नहीं हूं मैं। अपराध करके जो क्षमा मांगते हैं वो पापी समझे जाते हैं, और मैंने वो हरकत की है, मैं क्षमा के लायक भी नहीं हूं। मुझे सिर्फ चिंता है तो बस मैत्री की। मैत्री को कुछ पता चला तो? किसी को कैसे पता चलेगा मानव जी, वैसे इसमें गलती आपकी ही नहीं मेरी भी है। खैर जो हुआ वो एक हादसा था, एक तूफान था जो हवा के झोंके की तरह आया और चला गया। मैं जानती हूँ आप ऐसे इंसान नहीं है, शायद कुदरत तमाशा देख रही थी। खैर जो हुआ, बेहतर यही है कि हम ये सब कुछ यहीं भूल जाएं। सपना जो रात के अंधेरे में आया और चला गया, जो हुआ उसे भूल जाइए,
प्लीज। आई एम सॉरी। मानव जी, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं सर। काम कर रहे हो? काम। किसको देखकर? हाँ, तीन दिन हो गए, मैंने तुम्हें कहा था ये फाइल मुझे कंप्लीट चाहिए। हाँ? क्यों नहीं है फाइल कंप्लीट? हाँ? सर, क्यों नहीं है? वो क्या कर रहे हो तुम? सर, वो सर, किसी काम के नहीं हो? नहीं नहीं। हाँ, मिश्रा कहाँ है? वहाँ वहाँ सर। हेलो सर। चुप, बताओ मुझे कोल्ड स्टोरेज में कितना माल पड़ा है? कोल्ड स्टोरेज में कितना माल पड़ा है? कितना लोड होना बाकी है? बताओ मुझे। है ना, है ना, पेन है। अरे क्या पेन? पेन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अरे यार, इसको कोई किसका किसका पेमेंट बैलेंस है? बैलेंस कौन सी कंपनी ने बैलेंस पेमेंट रखा है? और अगर रखा है तो क्यों रखा? हाँ, है सर, वो बताओ क्या है? एक मिनट, क्या है? क्यों हंस रही हो? क्यों हंस रही हो तुम? मुझे देखकर हंस क्यों रही हो तुम? क्या है? अच्छी लगती हो? क्या है, पूरा दिन बस ऑफिस में लिपस्टिक लगाकर घूमना फिरना है? चुप। बताओ तुम। हाँ। ए चुप, बताओ किसका हाँ। किसका पेमेंट बैलेंस है यहाँ पर? बताओ पेमेंट का सब वो कौन देखता है? परब देखता है। परब। हाँ। बताओ किसका किसका पेमेंट बैलेंस है? और अगर बैलेंस है तो क्यों बैलेंस है? सर वो फरवरी 2022। ये हंसने की बात नहीं है, ये इसकी रिटायरमेंट डेट है। शायद ये उस दिन तक ये सेंटेंस पूरा कर पाए। कोई फायदा नहीं है, किसी काम के नहीं हो तुम लोग। तुम लोगों को बाजार में बेचूंगा ना तो कोई कीमत नहीं आएगी, कोई खरीदेगा नहीं तुम्हें। थैंक यू। शट अप। तू चुप बैठना। काली अंधेरी रात थी। अरे रात तो काली होती है ना बाबा, उजाले वाले रात देखी है क्या तूने कभी? अरे तू चुप कर, मेरी बात सुन। अरे मैं एक्स मिलिट्री मैन हूँ, मिलिट्री में गनर था मैं। युद्ध के दौरान मेरी आंखें चली गईं, फायरिंग कर रहा था, पीकेटी बेल्ट खत्म हो गया, सामने तो दुश्मन खड़ा है, फायर करूं तो कैसे? देखा तो एक मिस फायर था, हाथों से निकाला और हैंड चैम्बरिंग कर दी मैंने। 100 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर होता है उसका, बस जगह पे राउंड बस्ट हो गया और उसकी गर्माइश और बारूद के टुकड़े मेरी आंखों पर लगे और आंखों की रोशनी चली गई मेरी। पर आप यहाँ नौकरी? अरे ये तो ताई के साथ दहेज मायला है। बराबर बोल रही है ये। अरे मैत्री बिटिया मुझे बचपन से चाचा चाचा कहती थी, शादी के बाद बोली चलो हमारे साथ ससुराल, अकेली जान कूच कर दिया इस तरफ। हेलो, या दिस इज नियति। ओ ओके, व्हाई नॉट, आई बी देयर। एक्सक्यूज मी, फिर क्या हुआ काका? ये गई क्या? हाँ। प्यारे प्यारे पलों में अरमानों की इस धरती पर कितनी ही उम्मीद। हेलो। हेलो, निनी बोल रही हूँ। नियति, आई एम सॉरी, मैंने सुबह से एक भी फोन नहीं किया तुम्हारी पूछताछ करने के लिए। इट्स ऑल राइट, मैं दिल्ली जा रही हूँ। दिल्ली? अचानक? देखो नियति, बिलीव मी, मुझसे अनजाने में गलती हुई है, तुम्हें इनसिक्योर होने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, मैं जिस काम के लिए आई थी वो काम पूरा हो चुका है। मगर नियति, मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ, आप मैत्री जी को बता दीजिएगा। बाय बाय।
मेरा दिन बहुत अच्छा रहा। यू नो तिरुपति रिसोर्ट का डील फाइनल हो गया। तुम यहाँ फौरन चली आओ। अगर डिसूजा ना कहे तो नौकरी छोड़कर चली आओ। व्हाट हैपेंड माना? साहब जी खाना लगा दे। मुझे नहीं खाना है। What happened? Anything serious? नहीं सर, nothing serious. It's all routine. Are you sure? Yeah. पक्का? पक्का. Okay. See you tomorrow. Yeah. Good night. Good night. Take care. देखो भाई मैडम जी आ गई है। कितना हुआ? 5 रुपए ज्यादा है, रख लीजिए। आ गई क्या? बंदूक सामान लेना। अरे आप जल्दी आ गई अचानक। फिर क्या हुआ? अरे आप कहती तो मैं एयरपोर्ट चला आता। हाँ। सरप्राइज देना चाहती थी। हाँ। वो कहाँ है? गार्डन में है। गार्डन में? बजाना मत, वो समझ जाएगा मैं आ चुकी हूँ। मैं आती हूँ, सामान ले लेता हूँ। मैत्री छोड़ो ना मानव, मानव छोड़ो ना, सुभाष और बंदूक बाहर है। नहीं, तुम मुझे इस तरह से छोड़कर अब साया कभी जिस्म से दूर रह सकता है? अर्धांगिनी हूँ, तभी तो मिस्टर श्रीवास्तव कुछ कुछ महसूस कर रही हूँ। क्या? तुम्हारे जिस्म से मेरी खुशबू आती है, आज किसी और की क्यों? क्या कह रहे हो तुम? ये क्या कह रहे हो तुम? Come on मानव, मैं तो यूं ही छेड़ रही थी। पर मेरी तो जान निकल गई। ए, तुम्हारी जान तो मैं हूँ, ऐसे आसानी से? मैत्री, इस तरह से मुझे छोड़कर मत जाया करो, मानो मेरी जान निकल जाती है। मानव मत जाओ मैत्री, मुझे छोड़कर मत जाओ मैत्री। मानव सातवां महीना पूरा हो गया, आठवां चल रहा है। तभी तो तेरा चेहरा खिल रहा है। काई को खिल रहा है ताई, दिन भर काम करके ना मर मर के मेरा कमर बहुत दर्द करता है, ऊपर से मेरा मरद बेवड़ा। शांता सारी हाँ माँ बनना है तो तकलीफ तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। हाँ बहुत। शांता भाई इस दर्द में बहुत खुशी है, बहुत सुख है। शांता शांता कुछ महसूस होता है? हिलता है ना ताई, वो हिलता है। हाँ। तुझे माँ कहेगा ना वो? आए बुलाएगा, आए आई कहेगा। शांता भाई तुम एक काम करो, यहाँ से जिस चीज की जरूरत पड़ी वो लिया करो। नियति कैसी लड़की थी? कैसी मतलब कैसे रहती थी, कौन से कपड़े पहनती थी, उसका चलन कैसा था? एकदम हीरोइन थी, हीरोइन। झटक फटक। झटक फटक माने? माने ताई वो क्या है ना, अपनी इस दुनिया में रहती थी। और कपड़े का बोलो तो आजकल सभी लोग छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं ना। साहब के साथ घुल मिल गई थी ना? अब ताई अपने साहब को तो सभी अपना। शांता भाई तुम एक काम करो, तुम जाओ, तुम आराम करो, मैं ये कर लूंगी। जाओ ना, मैं कर लूंगी, जाओ। बंदूक काका। हाँ, हाँ, मैं जाती घर को। हाँ, संभाल के जा, अब अकेली नहीं है भाई तू। काट दूं क्या सब्जी में? चाचा पार्टी कैसी रही? सालगिरह की पार्टी ना, बहुत मजा आया। मानव होश में था? होश में? मैं कहाँ होश में था, मैं भी टून था। नियति को अलग कमरा दिया था ना? क्या? नहीं, कुछ नहीं। रिपोर्ट ली जा रही है। मानव तुमने मुझे बताया नहीं। क्या बताऊं? यही पार्टी कैसी रही? दिन भर तुम निनी के साथ थे ना?
तुम्ही ने तो सब कुछ ऑर्गेनाइज किया था, इसीलिए तो पूछ रही हूं। क्या जानना चाहती हो तुम? तुम चिढ़ क्यों रहे हो? तुम चिढ़ा रही हो मुझे। मैं क्या चिढ़ा रही हूँ? सब कुछ तो बताया तुम्हें, खाया पिया, बस 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 ना, इतनी सी बात है तुम क्यों नहीं बताया मुझे? यही तो जानना चाहती थी मैं। ज्यादा समझदार मत बनो, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। बंद करो ये इन्वेस्टिगेशन। मानव, मानव, देखिए ऐसा काम नहीं होता है पाटिल साहब। अरे एक्सक्यूज मी, हमारे पास एग्रीमेंट है। देखिए 4 कंटेनर अंगूर आप हमें सप्लाई करने वाले थे, लेकिन आपने, अरे एग्रीमेंट है हमारे पास, हम, मैं दिखाता हूँ आपको। एक मिनट रुकिए आप। अरे क्या मेरा मुंह देख रहे हो इस तरह से? बोल अच्छा। चुप, लाओ एग्रीमेंट दिखाओ। पाटिल का है ना? हाँ, पाटिल का है। कहाँ गया? एक मिनट पाटिल साहब। हाँ ये देखिए, इसमें लिखा है कि 3 अक्टूबर तक आप हमें पूरा माल सप्लाई करने वाले थे, लेकिन आपने हमें आधा माल ही सप्लाई किया है आज तक। शट अप। नहीं सर, आपको नहीं, वो हमारे ऑफिस में। हाँ तो क्या हुआ माल का? देखिए इंटरनेशनल मार्केट में हमारा नाम बहुत खराब हो रहा है, और मित्तल साहब बहुत पुराने और बहुत बड़े एक्सपोर्टर है, तो उनका नाम बिल्कुल खराब नहीं होना चाहिए। देखिए अच्छा इसी में है कि आप हमें पूरा माल सप्लाई कर दीजिए, वरना इंटरेस्ट के साथ पूरा पैसा आपको देना होगा। इस पाटिल को रिमाइंडर भेज दो और वकील का नोटिस। सर बोलो। वो पाटिल है ना, बहुत चालाक आदमी है। तो आप लोग भी और चालाक बनो। सर उस पाटिल की केस को मैं फॉलो करूंगा। छोड़ना नहीं उस पाटिल को सर, विश्वास उस पर करो जो विश्वास के काबिल हो। चुप। This is too much. वाकई किसी पर ट्रस्ट करना एकदम बेकार है। लगता है मुझे फिर चेन्नई जाना पड़ेगा। I think so, तिरुपति रिसोर्ट का काम शुरू हो जाएगा। कब कब? चेन्नई से आए हुए 2 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है। More than 2 months, you know? Agreed, sir. लेकिन सरकारी कामों में वक्त तो लगता ही है। सारा सिस्टम करप्ट है। प्लान सैंक्शन करवाने के लिए ब्राइब देना पड़ा, लेकिन अभी भी फाइल कॉर्पोरेशन के टेबल पर पड़ा हुआ है। इट्स रियली डिस्गस्टिंग। हमारा बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट हो चुका है। लैंड लेवलिंग करते करते तो 60 लाख रुपए लग चुके हैं। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई मीन टू से। आई थिंक आई मस्ट गो टू चेन्नई। मैत्री तुम एक काम करो, चेन्नई कॉर्पोरेशन के नाम से एक लेटर ड्राफ्ट करो जल्दी से। यस सर। आई थिंक आई मस्ट गो टू चेन्नई। मैत्री बिटिया। जी चाचा। अरे आपने आज खाना नहीं खाया ठीक से। जितना खाना था उतना खा लिया। अरे पर ऐसे बता दिया ना चाचा, अब जाके बैठिए अंदर। पता नहीं क्या हो गया है, साहब जी भी खाना नहीं खाए। क्या सोच रही हो? सुनो बच्चों का शोर, कैसे हंस रहे हैं बच्चे। कितना अच्छा लगता है ना। शांता को भी ऐसा ही बच्चा हुआ होगा। छोटा सा नन्ना सा, उसके नन्ने नन्ने हाथ, नन्ने नन्ने पांव, छोटी छोटी आंखें। प्रेगनेंसी में भी शांता भाई कितनी मेहनत करती थी ना। मेहरबान है उस पर भगवान। जहां खाने के लिए पैसे नहीं वहां औलाद है। नियति क्यों गई? पता नहीं, कुछ तो वजह होगी। हाँ होगी, लेकिन मालूम नहीं। मालूम नहीं यानी? अरे यार तुम घूम फिर कर वही बातें करती हो। ये नई मुसीबत गले पड़ गई है। नियति क्यों गई? नियति कहाँ गई? अरे तुम बैठो ये सब सोचते हुए, मैं चला अंदर, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ अंदर। नियति कहाँ है, क्यों गई, कहाँ गई? हेलो सरोज, यार तुम तो मुझे भूल ही गई। ओफो, बच्चे इतने परेशान करते ना कि तुम समझ नहीं पाओगे यार। हाँ मुझे कहाँ है बच्चे, मैं तो बे औलाद हूँ। सॉरी बाबा, मैंने तो यूं ही कह दिया
अच्छा निन्नी मानव तुम्हारी इतनी तारीफ कर रही थी, पर खासकर मानव की तो वो पप्पू। अच्छा मिकी मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। हाँ ओके बाय। नाराज हो जायज है, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की भी हद होती है। जब जज्बातों की लाश ढोनी पड़ जाए तो रिश्तों में दरार तो आती ही है। अनचाही झिझक, पोलियो से अफेक्टेड पांव जैसे शरीर खींचता है ना, वैसे कितना अच्छा लग रहा था ना बाहर बच्चे खेल रहे थे। बच्चों का शोर घर में होना तो घर नाचते फव्वारे की तरह लगता है। वरना मरगत मानव, सरोज कह रही थी निन्नी तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। निन्नी अचानक क्यों यहाँ आई और अचानक क्यों चली गई? शायद मुझे अब सो जाना चाहिए। मन में कुछ है और जुबान कुछ और ही कह रही है। मानव तुम सिर्फ मेरे हो, और मेरे ही रहोगे। मेरा अधूरापन मुझे नोचता है। अपूर्ण, मुझे पूर्णता चाहिए मानव, पूर्णता चाहिए मुझे। क्या हमारे मिलन में नव निर्माण की शक्ति नहीं? साफ करते करते मेरा दम निकल जाता है। कितनी बार मैंने मानव मानव को बताया कि मुझे नन्हा सा शीशे का बंगला ले लो। कहा था ना मिस्टर श्रीवास्तव, वास्तव में नहीं लगता है। तुम झाड़ू ठीक से मारो। चलो तुम एक काम करो, मेरे लिए पानी लेकर आओ। अरे अरे देखो प्यास लगी है, प्लीज। चाचा रहने दो, मैं कर लूंगी ना। मैं चमका देता हूँ। क्या चमका देते हो? जाओ जाओ जाकर। क्या है मानव,
कुछ चल रहा है? हाँ चल रहा है। माय गॉड मेरी चाय पकड़ो। साहब जी कपड़ा रखा है जरा देख लो। अरे ये क्या है यार, शांता भाई के लड़के को ये कपड़े देंगे क्या? तुम भी जाओ जाओ, वो नाके पे एक दुकान है, वहाँ पे मैंने ढेर सारे कपड़े और गिफ्ट पैक करके रखे हैं, जाओ वो लेकर आओ, जाओ जल्दी। ये क्या कपड़े हैं? मानव ये लो चाय। अरे मुझे सिर्फ चाय नहीं चाहिए, और भी कुछ? क्या चाहिए? पपी दो ना। नहीं दो ना। संडे है आज, संडे को कुछ नहीं मिलेगा। एक शब्द। क्या क्या पूछा मारो। अरे संडे के दिन मैं खुद नहीं नहाता हूँ और घर को नहलाऊं? है नहीं नहीं ठीक है, फिर कुकर लगाओ। अरे यार मुसीबत है ये चाचा भी ना कुछ। बंटी 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 रो मत बेटा, अभी बदल देती हूँ। देखो गीली हो गई है ना लंगोट, बदलनी पड़ेगी। चलो रो मत, चुपचाप लंगोट पहन लो। बिल्कुल रोना नहीं, नींद में 50 बार सुसु करता है तू। देखो अभी लंगोट हो गई। मैत्री ये क्या कर रही हो तुम? चुप। मैं पापा से कहो बंटी सॉक्स पहन रहा है। सब लोग समझते हैं मैं माँ नहीं बन सकती, लेकिन देखो मेरा बच्चा आ गया। कुछ नहीं हुआ है मुझे, कुछ नहीं और ना होगा। इतनी कमजोर नहीं हूं मैं, समझदार हूं। लेकिन लेकिन कभी कभी मेरा मेरा शरीर साथ नहीं देता। माँ तो बनना है। इंतजार नसीब डेस्टिनी कुदरत बहुत कठोर, मेरे आंसू देखकर भी नहीं पिघलते। लेकिन मुझे अपने आप पर पूरा कंट्रोल है। मैत्री संभालो अपने आप को, संभालो अपने आप को मैत्री। मानो मुझे एक प्यारा सा चुलबुला सा नटखट सा नन्हा सा बच्चा दे दो मैत्री। मानव मुझे एक बच्चा दे दो ना, मुझे एक बच्चा दे दो ना मानव। दिन दहाड़े कहीं सपने तो नहीं देख रहा हूं मैं? हेलो हेलो आर यू ऑल राइट? कहीं फिर से मैडम बात क्या है? बदले बदले से तेवर हैं, चेहरे पर हंसी, आंखों में नखरा, बहुत सुंदर दिख रही हो, बहुत सुंदर। बताओ बताओ क्या बात है ये बदला बदला सा रूप? मैत्री कहीं ऐसा तो नहीं करवा चौथ दिन में तो नहीं मना रही हो? ये क्या कर रही हो यहाँ से वहां, वहां से यहाँ? बताओ तो सही, बताओ
बताओ ना, बताओ। वजह है। कैसी वजह? कुछ दिख नहीं रहा लेकिन धुंधला सा है। तुम्हारी आंखें खराब तो नहीं हुई? नहीं। फिर? कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा, बहुत अस्पष्ट लेकिन बहुत करीब। पहलिया मत बुझाओ, सच सच बताओ ना क्या है। पहले प्रॉमिस करो, शोर नहीं मचाओगे, सब्र रखोगे। ये क्या है बताओ। भगवान दयालु है, मैंने मन्नत मांगी थी, जो सूरत सपनों में थी वो शायद मूरत बनकर आकार ले रही है। ये ज्यादा फिलोसॉफिकल नहीं हो रहा है? साफ साफ बताओ ना मुझे मैत्री, साफ साफ शब्दों में बताओ मुझे, बताओ ना मुझे। 2 महीनों से पीरियड नहीं आया, शायद कोई गुड न्यूज है। पहले मैं डॉक्टर तृष्णा के पास जाऊंगी, चेकअप होगा, फिर तुम सच कह रही हो? तुम सच कह रही हो? सच। मुझे मुझे यकीन नहीं हो रहा है, तुम सच, really? सच सच कह रही हो ना तुम? जरा सच कह रही हो? तुम सच कह रही हो? ये मारो मारो मारो, धीरे से धीरे से। प्यार से प्यारे प्यारे अरमानों की इस धरती पर। मानव मैं कह रही हूँ, इतना उतावलापन अच्छा नहीं। मैंने क्या किया? अभी क्या किया? मैं तो तुम्हें यहाँ बिठा रहा था ना। मैं भी आऊंगा डॉक्टर के पास। नहीं। क्यों? टेस्ट तो हो जाने दो, मैं अकेली जाऊंगी, शाम तक रिपोर्ट्स आएंगे, फिर सेलिब्रेट करेंगे। सच? कुछ कुछ लग रहा है। हमारी जिंदगी में इतनी खुशियां हैं, हमारे तकदीर में इतनी खुशियां हैं, यार। मिश्रा जी ये कोल्हापुर की लाइन क्यों नहीं लगती? कोल्हापुर की लाइन? अरे कैसे लगेगी, तुम्हारा इंटरेस्ट तो गोवा में है ना। हाँ, मेरी इनकी लाइन कभी बिजी लगती है का? बहानेबाजी मत करो, मानव साहब आएंगे तो जम के धुलाई होगी, पता है मुझे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कैसा है? अरे ऐसे मुंह क्या लटका के खड़े हो तुम लोग? अरे जरा एंजॉय करो, हंसो तुम लोग। अरे हंसो, ऐसे खड़े नहीं रहते, हंसो, कम ऑन। अरे जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर पाओगे ऐसे। हंसो 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 हंसो, अरे हंसो हंसो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, हंसो हंसो। एक मिनट, मैंने देखा है तुम लोग बहुत मेहनत करते हो, बहुत अच्छा काम करते हो पूरा दिन ऑफिस में तुम लोग, लेकिन आज हम लोग एंजॉय करेंगे, एकदम दिन भर एंजॉय करेंगे हम लोग, ठीक है? हम लोग खाना खाएंगे। कुछ खाया तुमने सुबह से? कुछ खाया? खाया कुछ? कुछ खाया तुमने? कुछ किया क्या? अरे देखो पीना है तो मैं जानता हूँ, हम लोग रात को पियेंगे ना। अच्छा अच्छा, एंजॉय करेंगे पूरा दिन। ए तुम शिव प्रसाद को फोन करो, शिव प्रसाद होटल में फोन करना, नहीं तो दोस्त को फोन करेंगे। अच्छा चल जल्दी ऑर्डर दो, मसाला डोसा और जूस। जूस जूस चलेगा ना तुम्हें? जूस चलेगा तुम्हें? या आइसक्रीम खाना है? आइसक्रीम देगा फट से? हाँ बोलते हैं, तुम्हारे लिए मिल्क शेक मंगाते हैं, तुम मिल्क शेक या वो अपना ड्राई फ्रूट आता है ना, ड्राई फ्रूट, जरा और मोटे हो जाओगे समझे। तुम लोग जूस तुम ऑर्डर करो, और हाँ दोपहर का खाना भी मेरी तरफ से। मैं खुश हूँ, कोई टेंशन नहीं, मैं दूंगा ना बिल, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। तुम लोग अपना एंजॉय करो, एंजॉय करो। तुम लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना खुश क्यों हूँ आज, है ना? यही सोच रहे हो ना तुम? सोचने का नहीं, टेंशन नहीं लेने का, मैं हूँ ना खुश, मैं खुश हूँ बस। मैं बिल दूंगा। नहीं बताऊंगा सर, नहीं बताऊंगा मैं, प्लीज बताइए ना सर, नहीं बताऊंगा।
नहीं बताऊंगा, आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। एंजॉय एंजॉय, खाओ पियो, ऐश करो तुम लोग, एंजॉय। कुछ सुनाई दिया? एंजॉय। इधर इधर इधर। देखो तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने सब कुछ देख लिया है, अब ब्लड रिपोर्ट्स आएंगी तो सब ठीक हो जाएगा। Always be positive. त्रिशना मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं डर नहीं, बिल्कुल नहीं डरना। और मैं अगर तुम परमिशन दो तो मैं थोड़े से पेशेंट्स को देख कर आऊं। ठीक है। बैठो और अच्छी अच्छी बातें सोचो, अच्छी अच्छी बातें सोचोगी तो सब अच्छा होगा। Everything is going to be positive. हाँ? बैठो जल्दी आना। बिल्कुल बिल्कुल, प्रूम बैठो। मैं बैठ। You are my best friend. Good girl. बैठो बैठो। Everything is positive. सब कुछ अच्छा है। Yes. You are going to be mother. Krishna. अब तुम माँ बनोगी। हाँ? बस अब थोड़ा इंतजार, बाकी खुशी आ जाएगी। I love you so much. अरे मिश्रा कम सुनाई देना, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। ये भी सुनाई नहीं दिया सर। आप लोग जा सकते हैं, जाओ 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 आओ आओ जाओ जाओ। अरे साहब जाने के लिए कह रहे हैं, चलो चलो। बोलो मैत्री, क्या कब से इंतजार कर रहा हूं तुम्हारे फोन का, मेरी तो जान ही निकल गई। बोलो मानव। मानव प्रेगनेंसी इज कंफर्म। सच? आई लव यू, आई लव यू। अरे मिश्रा जी, अरे आइए आइए, आज मैं बहुत खुश हूँ मिश्रा जी, बहुत खुश हूँ, आज मैं पार्टी दूंगा। हाँ हाँ पार्टी। अरे हंसो यार हंसो, किस बात की पार्टी है? हाँ, पार्टी। बंदूक सर, सारी तैयारियां हो गई है, कैसा लग रहा है अपना घर? सर ये ठीक लगा ना सर? अरे लगा लगा, बहुत अच्छा लग रहा है, लगाओ लगाओ। सर बहुत रोशनी है ना सर? अरे एकदम झगमग झगमग, बिल्कुल अपनी तकदीर की तरह। अब मैत्री आएगी, वो बहुत ही खुश होगी। मैं बनूंगा बाप, वो बनेगी माँ। डैन टडैन। अरे यार ये एक लगाना भूल गया, मैत्री डांटेगी मुझे। ये हो गया। डैन टडैन। अरे सिटी बज गई, अरे वो बुलाओ। अरे मैत्री फोन भी नहीं उठा रही है। हेलो हेलो बंदू सर, दाल तैयार है ये देखो, और अंदर पुलाव भी तैयार है। अरे एक अब सुनो, तुम एक काम करो, होटल में फोन करके पराठे और नान मंगवा लो, और हाँ उसमें बटर लगाना, क्योंकि वो क्या मैत्री को बहुत अच्छा लगता है, और मेरे पास टाइम भी नहीं है और मेरा मूड भी नहीं है, ठीक है ना? वैसे प्रेगनेंसी कंफर्म है, लेकिन क्या कि ब्लड के रिपोर्ट्स आने अभी बाकी है ना। मैं बहुत ही खुश हूँ आज। मैंने डॉल्स कहाँ रखे? अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मैंने ही रखे हैं। ये यहाँ पर है, ये मिल गई डॉल्स। ये नहीं, ये एक है, और ये रहा हमारा बंटी।
ए बंटी, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा अपना बंटी आने वाला है। मेरा बंटी, मेरा और मैत्री का बंटी, तुम उसके साथ खेलना। हाँ ए बंदूक सर, ये सब खिलौने यहाँ पर ऐसे रख दो, समझे? हाँ हाँ रखता हूँ। ये मैत्री ना फोन उठाती है ना फोन करती है, क्या मेरी जान निकली जा रही है। बंटी बैठ गया भाई, तू तेरे ऊपर बहुत जान है। हाँ, बैठ गया सब। अरे ये रह गया। अरे यार मैत्री फोन क्यों नहीं उठाती है? जब देखो फोन बिजी है, आउट ऑफ रीच है, किसी से बातें करती रहती है। किससे बातें करती है इतनी देर? इसे मालूम होना चाहिए कि मैं यहाँ पर कितना परेशान हूँ उसके लिए। और वो साहब जी, नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। मैं आज बहुत ही खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। कंट्रोल कंट्रोल। ओ किसी का फोन है। हेलो सरोज, अरे क्या बात है, आज तुमने बहुत ही अच्छे मौके पर फोन किया है। आई हैव अ गुड न्यूज। पहले मुझे कुछ बताना है मानो, एक बैड न्यूज है। निन्नी नहीं रही। क्या? हाँ मानो, नियति ने आत्महत्या कर ली। मगर She's dead. पता तो नहीं चला कि मैत्री क्यों फोन नहीं उठा। मैत्री बिटिया, साहब जी। अरे मैत्री, अरे मैत्री आ गई, मैत्री आ गई। अरे कहाँ थी तुम? मैं कितना परेशान था, मैं कितना फोन ट्राई कर रहा था तुम्हारा। ये देखो, मैंने सारा घर एकदम सजा के रखा है। ये देखो यहाँ पर, और वो देखो मैंने कितने कैंडल जलाए मैंने, और बंदूक ने पूरा घर सजा डाला। और वो रहा अपना बंटी, उसे मैंने कहा कि तुम्हारी जरूरत नहीं है, यहाँ बैठो, आओ यहाँ पे, आओ यहाँ जाओ, बैठो बैठो बैठो। ये क्या ऐसी सूरत बना के रखी है? कब से फोन कर रहा था मैं, कितना इंतजार कर रहा था मैं तुम्हारा। क्या एक फोन भी नहीं कर सकती थी, मैसेज नहीं दे सकती थी? क्या मैत्री, क्या हो गया है तुम्हें? ऐसी सूरत क्यों बना रखी है तुमने? बोलो ना, तृष्णा ने कुछ कहा क्या? सब ठीक तो है ना मैत्री? हाँ, सब ठीक है। फिर क्यों उदास हो, बोलो। अच्छा अच्छा, सरोज का फोन आया था। मुझे भी आ रहा था। नियति अब नहीं रही। शॉकिंग न्यूज है ना? मैत्री चुप क्यों हो तुम? बोलो ना, बताओ ना, क्या हो गया? मुझे प्रेगनेंसी है। प्रेगनेंसी है, मेरे पेट में बच्चा भी है, मगर बोलो ना मैत्री, बोलो ना, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। तुम बोलती क्यों नहीं? अपनी औलाद जो मेरे गर्भ में सांस ले रही है, उसे एड्स है। क्योंकि मुझे एड्स हो चुका है। क्या? तुम्हारे कारण। नियति को एड्स था, इसलिए उसने आत्महत्या की। मेडिकल चेकअप के लिए ही नियति यहाँ आई थी। आत्महत्या करने से पहले नियति ने सरोज को बताया था कि तुम दोनों के बीच शारीरिक संबंध हुए थे। इंसान की गलती को कुदरत कभी माफ नहीं करती। बस
अब हमें इंतजार रहेगा मौत का।